Hi students, I hope you all are very well. So let's come to join my YouTube channel Fearless Studies, and today we are discussing about hormones in animals. जैसे हमने plants और plant के hormones पढ़े, ठीक है? कौन-कौन से थे? Auxin, cytokinin, gibberellin, abscisic acid, ethanol या ethylene, ठीक है? तो ये जो पांच plant hormones थे, वो हमने complete कर दिए. But अभी जो animals हैं, animals including human being, okay? तो specially हम देखने जाए ना, तो ये topic में humans के जो hormones हैं, वो ही पढ़ना है, okay? तो जो human beings में hormones हैं, उसका भी तो detail जो है हमें study करना पड़ेगा, ठीक है ना? जैसे हमने brain देखा, nervous system देखा, तो इससे हमने electrically कैसे signal transfer होता है, ये transmit होता है, वो हमने पढ़ लिया. But हमने वो chemical जो है, chemical कैसे transmission में help करता है, वो भी तो पढ़ना जरूरी है. और हमने आगे भी देखा कि जो chemical से transmit होता है, वो chemical को हम क्या बोलते हैं, hormones, okay? और जहाँ से वो secrete होता है, मतलब जहाँ से hormone secrete होता है, उसको हम बोलते हैं gland, okay? तो यहाँ पे यही सब हार्मोनल गड़बड़ी, हार्मोनल लोचा जो होता है ना, उसके बारे में हमें यहाँ पे स्टडी करनी है. तो लेट्स स्टार्ट. ओके, केमिकल और हार्मोनल मींस, मैंने बोला जो केमिकल है उसको हम हार्मोनल हार्मोन्स बोलेंगे. ओके, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है केमिकल और हार्मोनल मींस ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन. फॉर एग्जाम्पल, स्क्विरल इन अ स्कैरी सिचुएशन, बॉडी हैव टू प्रिपेयर फॉर एदर फाइटनिंग और रन अवे. ओके, अभी यहाँ पे आपको एक केमिकल से कैसे इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट हो रही है, इसका एग्जांपल दिया है. और वो एग्जांपल है कि अगर कोई स्क्विरल है, वो स्कैरी सिचुएशन में है, एट दैट टाइम दे हैव टू ऑप्शन. ओके, वन फाइट करना, सेकंड भाग जाना. ओके, अगर कंपेटिबल है कि हाँ एक साइड भी स्क्विरल है या स्क्विरल जैसा ही कोई छोटा एनिमल है, तो फाइट कर लेगी. बट अगर कोई बड़ा एनिमल होगा या फिर कोई ह्यूमन बीइंग होगा, तो उसको डेफिनेटली रन अवे करना पड़ेगा. तो यहाँ पे उसके पास दो चांस है, ठीक है? अभी ये दोनों कंडीशन है, ठीक है, फाइट करना है या रन अवे करना है, दोनों ही में कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन होगा. वैसे हमें लगता है कि वो इजी है, सिंपल है, ठीक है, बट उसके लिए अगर फाइट करना है तो हमें अपने मसल्स को इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा कि हाँ अब आपको फाइट करना है. अगर रन अवे है तो भागना है, तो उस टाइम पे हमें अपने लेग्स को इन्फॉर्मेशन देना है कि अब आपको दौड़ना है, ठीक है? तो ये सारी जो सिचुएशन है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, और ये दोनों ही सिचुएशन में ग्रेट डील ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड इन कंट्रोल वे. कंट्रोल वे मतलब एकदम कंट्रोल कंडीशन में होना चाहिए. अगर फाइट कर रहे हैं तो फाइट करते टाइम जो अपने ये हाथ है, तो हाथ के जो ऐसा दिश्यम दिश्यम होता है ना, तो वो भी एकदम कंट्रोल वे में होना चाहिए. और अगर भाग रहे हैं तो भागने की जो स्पीड होती है, जो मूवमेंट होता है, वो भी एक कंट्रोल वे में होना चाहिए, और उसके लिए बहुत सारी एनर्जी चाहिए. ओके, नाउ मेनी डिफरेंट टिश्यूज आर इन्वॉल्व एंड फाइनली इंटीग्रेटेड टूगेदर इन दिस एक्शन. अगर फाइट कर रहे तो सिर्फ और सिर्फ क्या आपके हाथ ही इन्वॉल्व होते हैं? नहीं, उसके साथ आपके लेग्स है, बॉडी के अलग पार्ट है, वो भी इन्वॉल्व होगा. और सेम कंडीशन है कि भागने में, तो भाग रहे उस टाइम पे भी आपके सिर्फ पाव मूवमेंट नहीं करते, साथ में आपके हैट मतलब जो हैंड्स होते हैं वो, आपकी हार्ट बीट, वो सब इन्वॉल्व होता है. तो दैट मीन्स कि यहाँ पे बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यूज इन्वॉल्व होते हैं, और जो फाइनली ये सारे जो टिश्यूज हैं उनका इंटीग्रेटेड होगा. इंटीग्रेटेड दैट मीन्स के सारे जो रिस्पॉन्स है वो साथ में मिक्सअप हो गए, और मिक्सअप होने के बाद फाइनली वो एक्शन होगा. ओके, अभी लिखा है यहाँ पे कि डिफरेंट एक्टिविटीज फाइटनिंग है और रन अवे है. फाइटिंग करना है या रन अवे करना है, दोनों ही डिफरेंट एक्टिविटी है. बट सम कॉमन प्रिपरेशन कैन बी मेड इन द बॉडी. ओके, भले ही दोनों अलग सिचुएशन है, बट उसके पहले उन्होंने कॉमन प्रिपरेशन कर रखी थी, कि जिसकी वजह से क्या होगा कि अगर फ्यूचर में कोई एक्टिविटी करनी है तो वो इजीली हो सके. आपको बहुत एक अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ सैंडविच का.
ठीक है। हाँ मुझे पता है आपको थोड़ी सी भूख लगेगी, तो कोई बात नहीं, वीडियो खत्म होने के बाद आप खा लेना, नो वरीज, ओके। या फिर वीडियो देखते देखते भी आप खा सकते हो, तो ओके। चलो पहले एग्जांपल समझ लेते हैं कि सैंडविच बनानी है, ठीक है। तो सैंडविच में क्या चाहिए हमें, ब्रेड चाहिए, बटर, चीज, फिर बॉइल्ड आलू होता है वो, ठीक है, मतलब थोड़ी सी वेजिटेबल्स चाहिए होगी। अभी अगर हमें सिंपल वेजिटेबल सैंडविच बनानी है या टोस्ट सैंडविच बनानी है, ठीक है, हमारे पास जो रॉ मटेरियल है वो तो दोनों में कहीं तक कॉमन रहेंगे, तो हमने पहले से ही रॉ मटेरियल बना के रख दिए हैं। अभी उसमें से वेजिटेबल सैंडविच बनेगी या टोस्ट सैंडविच बनेगी, वो तो क्या खाना है किसी को उसके ऊपर डिपेंड है। सेम कंडीशन है कि फाइटिंग होगी या रन अवे होगी, वो सामने कौन है उसके ऊपर डिपेंड है, बट उसके लिए पहले कॉमन प्रिपरेशन तो स्विरल ने करके ही रखी है। आई होप आपको समझ में आ गया हो। ओके, नाउ यहाँ पे कंपैरिजन दिया है कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल और केमिकल सिग्नल दोनों में डिफरेंस क्या है, और ये जो है हमने आगे भी पढ़ा है कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स से जब भी सिग्नल पास होगा तो वो स्लो होगा, और उसमें जो टिश्यूज इन्वॉल्व होगा उनकी रेंज नैरो होगी। नैरो कैसे, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है उसको पास करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, न्यूरॉन्स, ओके। और न्यूरॉन्स जो है वो बॉडी के हर एक पार्ट तक नहीं पहुंच सकती, तो इसीलिए उसमें रेंज ऑफ टिश्यू टू प्रिपेयर फॉर द कमिंग एक्टिविटी वुड बी लिमिटेड। बट केमिकल सिग्नल है तो उसमें तो डिफ्यूजन के थ्रू एक सेल से दूसरे सेल तक इजिली फैल सकता है, तो इसीलिए ये फास्टर भी है और वाइड रेंज ऑफ टिश्यूज आर इन्वॉल्व इन फ्यूचर एक्टिविटी। ओके, इतना समझ में आ गया। नाउ यहाँ पे एक आपको एग्जांपल दिया है एड्रेनल ग्लैंड का, ओके। आपको वो आगे फिगर है उसमें पढ़ने में आएगा कि कौन कौन सी ग्लैंड है और वो कहां पे लोकेटेड है, बट यहां पे एक कॉमन एग्जांपल है, पहले वो समझ लो। एग्जांपल, इन ह्यूमन बींग्स एड्रेनल ग्लैंड सिक्रेट एड्रेनालिन, ओके। मैंने आपको बोला कि जहां से हार्मोन सिक्रेट होता है उसको हम ग्लैंड बोलते हैं, ओके। तो यहां पे एड्रेनल ग्लैंड है और इसमें से जो हार्मोन सिक्रेट हो रहा है वो है एड्रेनालिन, ओके। और ये एड्रेनालिन कब सिक्रेट होगा, जब स्कैरी कंडीशन होगी। जैसे यहां पे हमने देखा कि स्क्विरल है और स्कैरी कंडीशन में वो प्रिपेयर करती है इधर फॉर फाइट और रन अवे, बट उसको ये फाइट और रन अवे करने का सिग्नल कैसे आएगा। जैसे कि ह्यूमन बींग में एड्रेनालिन है, वैसे स्क्विरल में भी बहुत सारे हॉर्मोन्स होते हैं जो स्कैरी कंडीशन को फाइट करने में हेल्प करते हैं, ओके। तो ये जो ऑल हॉर्मोन्स टूगेदर विथ इट्स ग्लैंड, मतलब जितने भी हार्मोन है और वो हार्मोन जहां से भी सिक्रिट हो रहे वो ग्लैंड, वो सारे मिलके क्या बनाती है, एंडोक्राइन सिस्टम, ओके। तो हमें यही पढ़ना है कि एंडोक्राइन सिस्टम क्या है। तो एंडोक्राइन सिस्टम दैट मीन्स ग्लैंड और इसमें से सिक्रिट होता हार्मोन्स, ओके। तो सबसे पहले फिगर देख लेते हैं कि फिगर में कौन कौन सी ग्लैंड है और वो कहाँ पे लोकेटेड है, ओके। सबसे पहले जो है, सबसे इम्पोर्टेंट जो ग्लैंड है वो है हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड, ओके। और ये जो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड है वो हमने ह्यूमन ब्रेन में भी पढ़ी है, ओके। तो याद रखना कि हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड आर वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ग्लैंड एंड दे आर लोकेटेड इन ब्रेन, ओके। बट टूगेदर विथ हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी वन मोर ग्लैंड इज प्रेजेंट इन द ब्रेन एंड दैट इज द पाइनियल ग्लैंड, ओके। तो ब्रेन में तीन ग्लैंड्स है, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी एंड पाइनियल ग्लैंड्स। उसके बाद नीचे जैसे जाओगे नेक वाले पोर्शन पे, ओके, तो नेक वाले पोर्शन पे आपको दो ग्लैंड दिखेगी एंड दैट इज द थायरॉइड ग्लैंड एंड पैराथायरॉइड ग्लैंड, ओके। थायरॉइड और पैराथायरॉइड ग्लैंड नेक के पोर्शन में दिखने को मिलेगी। उसके बाद जैसे जैसे आप नीचे जाओगे तो आपको हार्ट जो होता है, हार्ट के एग्जिट ऊपर के साइड पे एक और ग्लैंड प्रेजेंट होती है और वो ग्लैंड का नाम है थाइमस। और थाइमस के बाद जो डाइजेस्टिव ट्रैक में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वो है पैनक्रियास। तो पैनक्रियास जो है वो भी इम्पोर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड है। और जो हमने एड्रेनल ग्लैंड की बात की अभी थोड़े टाइम पहले ही, तो वो जो एड्रेनल ग्लैंड है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, आपकी जो किडनी होती है, दोनों साइड किडनी होती है, तो किडनी के एग्जिट ऊपर आपको एड्रेनल ग्लैंड्स लोकेटेड मिलेगी। अभी जो लास्ट ग्लैंड है वो ह्यूमन, मतलब कि जो मेल और फीमेल जो है उसमें डिफरेंट होगी। अगर मेल है तो उसमें टेस्टिस में से टेस्टिस ग्लैंड है जिसमें से हार्मोन सीक्रेट होगा, और अगर फीमेल है
तो उसमें ओवरी होगी कि जिसमें से हार्मोन सिक्रेट होगा. ओके, तो समझ लो कि अगर मेल या फीमेल कोई भी है, टोटल 9 हार्मोन्स हैं, दैट इज हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पाइनियल, थायरॉइड, पैराथायरॉइड, थाइमस, पैनक्रियास, एड्रिनल एंड टेस्टिस और ओवरी. ओके, तो इतना याद रखना है. फिगर में आप एक बार देख लो, आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि कहाँ पे कौन सी ग्लैंड लोकेटेड है. सो यहाँ पे एड्रेनालिन का हम और डिटेल में डिस्कस करते हैं. सो द एड्रेनालिन विच इज सिक्रेटेड फ्रॉम एड्रेनल ग्लैंड्स. ओके, तो वो जो एड्रेनल ग्लैंड्स है उसमें से ये एड्रेनालिन जो सिक्रेट होता है वो डायरेक्टली ब्लड में मिक्सड अप होता है, और ब्लड में मिक्स होने के बाद वो जो डिफरेंट टारगेट ऑर्गन्स है वहां तक पहुंचता है. अभी टारगेट ऑर्गन उसका कौन सा है, तो सबसे पहला ऑर्गन है हार्ट. ओके, मतलब समझ लो कि एड्रेनल जनरली कहाँ पे लोकेटेड है, किडनी के एग्जैक्ट ऊपर. वहां से वो एड्रेनल ग्लैंड एड्रेनालिन को ब्लड में रिलीज करता है. ओके, और वो एड्रेनल फिर कहाँ पे पहुंचता है, ब्लड के थ्रू हार्ट में पहुंचता है, क्योंकि वो उसका टारगेट ऑर्गन है. तो हार्ट में क्या करेगा कि वो हार्ट को फास्ट बीट करना बोलेगा. ठीक है, अगर एड्रेनल रिलीज होगा, जब भी एड्रेनल सिक्रेट होगा ना, तो हार्ट बीट फास्ट हो जाएगा. तो हार्ट बीट फास्ट हो जाएगा तो इसकी वजह से क्या होगा, हार्ट का काम क्या है, ब्लड को पंप करना है. ओके, तो जैसे ही हार्ट बीट फास्ट होगा वैसे ही ब्लड का जो सप्लाई है वो भी बढ़ जाएगा. और ऐसे क्यों, ब्लड का सप्लाई बढ़ाने की जरूरत क्या है, क्योंकि एड्रेनल कब सीक्रेट होगा, जब स्कैरी कंडीशन होगी. इधर ऐसा हो सकता है कि सामने कोई थीप, मतलब कि चोर खड़ा है, या फिर कोई भी कंडीशन हो सकती है, स्कैरी कंडीशन. ओके, तो उसमें अपने जो मसल्स है जो फाइनल आउटपुट देके उसको बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना है. तो अगर मसल्स को सफिशियंट ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगा तो वो इजीली रोल, मतलब इजीली जो एक्शन करना है वो नहीं कर पाएंगे. तो इसीलिए मसल को सफिशियंट ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए हार्ट बीट फास्ट करता है. कौन फास्ट करता है, एड्रेनालिन. अभी याद रखो कि हार्ट बीट जैसे ही फास्ट होता है ना, तो उसका डायरेक्ट रिलेशन होगा ब्रीथिंग रेट के साथ. ब्रीथिंग रेट दैट मीन्स के रेस्पिरेशन जो होता है ना, अपने ऑक्सीजन को इनटेक और कार्बन डाइऑक्साइड को आउट करने के लिए वो जो ब्रीथिंग रेट होता है वो भी हाई होता है, क्योंकि जो हार्ट में ब्लड होता है ब्लड पंप करता है, बट ब्लड जो है उसमें ऑक्सीजन होना चाहिए, तभी तो वो बाकी के ऑर्गन तक ऑक्सीजन पहुंचाएगा. तो वो ऑक्सीजन कहाँ से आएगा, ब्रीथिंग से आएगा. तो जैसे ही ब्रीथिंग रेट बढ़ेगा तो इसकी वजह से क्या होगा, कैसे बढ़ेगा ब्रीथिंग रेट, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ट्रेक्शन ऑफ डायफ्राम एंड रिब मसल्स. अब फिगर में देख सकते हो कि डायफ्राम जो है नीचे के साइड प्रेजेंट है और रिब मसल है. तो अगर वो रिब मसल और जो डायफ्राम है उसका कॉन्ट्रेक्शन बढ़ेगा तो ब्रीथिंग रेट बढ़ जाएगा. ब्रीथिंग रेट बढ़ेगा तो ऑक्सीजन का ब्लड में सप्लाई ज्यादा होगा, और ऑक्सीजन का ब्लड में सप्लाई ज्यादा होगा तो हार्ट पंप की वजह से वो जो ऑक्सीजन है वो मसल तक पहुंचेगा. तो याद रखना कि ये दोनों जो रिएक्शन है वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेटेड है. नाउ नेक्स्ट जो टारगेट ऑर्गन है वो है कि ब्लड फ्लो कैसे होगा. तो डाइजेस्टिव सिस्टम, अगर जब भी फाइट करना है तो क्या फाइट करने के टाइम पे क्या डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी, नहीं. स्किन है तो क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, क्या स्किन ढाल बन जाएगी आपके लिए, नहीं. ठीक है, तो वहां से जो ब्लड फ्लो है वो रिड्यूस होगा, और वो रिड्यूस कैसे होगा, मसल कॉन्ट्रेक्शन. अगर समझ लो कि एक वाटर पाइप है, ठीक है, पाइप है और उसमें से वाटर पास हो रहा है. अभी वो वाटर पाइप को आपने आपके हाथों से जोर से वहां पे प्रेस कर दिया, ठीक है, तो जो वाटर है वो आगे फ्लो नहीं हो पाएगा. सेम कंडीशन है कि जो आर्टरीज है, ये ऑर्गन मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम के जो ऑर्गन है, और ये जो स्किन है उसमें जो आर्टरी है उसके अराउंड जो मसल है उनका कॉन्ट्रेक्शन होगा. तो समझ लो कि वो आर्टरी अपना वाटर पाइप है और जो मसल है वो अपना हाथ है. तो मसल क्या करेगा, आर्टरी को, मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो इसकी वजह से आर्टरी जो है उसमें जो ब्लड का पास होना है वो कम हो जाएगा, और वो
ब्लड, यहाँ पे तो हमने ब्लड फ्लो रिड्यूस कर दिया, बट यहाँ पे रिड्यूस किया तो कहाँ पे ब्लड फ्लो बढ़ रहा है? जहाँ पे स्केलेटल मसल्स है, और स्केलेटल मसल्स का काम क्या होता है कि वो कैसे एक्शन होगा वो डिसाइड करता है. ओके, तो ये जो सारी एक्शन है वो साथ में मिलके जो भी अर्जेंट इमरजेंसी या स्कैरी सिचुएशन है उसको डील करता है. तो ये एड्रेनल है, जैसे आप पबजी खेलते हो ना, तो पबजी में भी तो ऐसा ही होता है कि पीछे से कहीं से आपको गोली लग गई, ठीक है, तो आपका हार्ट बीट बढ़ जाएगा, आपका जो ब्रीथिंग रेट है वो बढ़ जाएगा, और फिर आप सोचोगे कि अब कैसे मैं उनको हेडशॉट दूं, ठीक है. तो आप क्या करोगे कि आप अपना पूरा फोकस कहाँ पे लगाओगे कि उसको हेडशॉट कैसे मारना है, ठीक है, तो बाकी सारा काम छोड़ छाड़ के आप डायरेक्ट हेडशॉट मारने के लिए लग जाते हो. तो सेम कंडीशन यहाँ पे है, आप बहुत इजीली समझ सकते हो, सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन रखो. ओके, सो एज इन प्लांट हॉर्मोन्स आर केयरफुली कंट्रोल्ड ग्रोथ इन एदर डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू लाइट और ग्रेविटी. ओके, तो हमने प्लांट हॉर्मोन्स में पढ़ा कि जो ऑक्सिन है वो शूट टिप को एलोंगेट करके जहां पे लाइट आएगी, सनलाइट आएगी, उस डायरेक्शन में शूट को मूव करेगा, और अगर ग्रेविटी के डायरेक्शन में रूट को मूव करेगा, ठीक है. दैट मीन्स के हॉर्मोन्स की वजह से प्लांट का कोई भी एक डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है या ग्रोथ हो रहा है. इन प्लांट्स ग्रोथ हैपन्स इन केयरफुली कंट्रोल्ड प्लेस. यहाँ पे याद रखो प्लेस है, मतलब कि समझ लो कि आप छोटे बच्चे थे, तब से आप अभी तक जितने भी बड़े हुए हो, जहां पे फिंगर ग्रोथ होनी है वहां पे ही फिंगर का ग्रेजुअली ग्रोथ हुआ है, फिर नोज या फिर बॉडी का कोई भी ऑर्गन है वो उनकी जो परफेक्ट पोजिशन है वहां पे ही ग्रोथ हुआ है. ऐसा तो किसी को नहीं है कि पहले हाथ में फिंगर ग्रो होती थी फिर अभी फेस पे फिंगर ग्रोथ होना स्टार्ट हो गया, ऐसा तो किसी का हो नहीं सकता है, ठीक है ना. तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है ग्रोथ हैपन्स इन केयरफुली कंट्रोल्ड प्लेस. ओके, अभी नेक्स्ट जो हार्मोन है वो है थायरोक्सिन हार्मोन. जैसे हमने एड्रेनाल पढ़ा कि एड्रेनालिन जो थी उसमें एड्रेनल ग्लैंड थी उसमें से एड्रेनालिन सिक्रित हो रहा था, और वो कैसे हेल्पफुल हो रहा था, कैसे स्कैरी कंडीशन में वो फंक्शन कर रहा था. सेम यहाँ पे है थायरॉयड ग्लैंड. ओके, अभी आपने बहुत बार सुना है कि जो सॉल्ट होता है ना वो आयोडीन वाला होता है, आपने बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट भी देखी होगी आपके नमक में आयोडीन है या नहीं है वो वाली, ठीक है. तो ये जो आयोडाइज सॉल्ट और सॉल्ट एनरिच विथ आयोडीन वो नेसेसरी क्यों है? क्योंकि जो सॉल्ट में आयोडीन होता है वो थायराइड ग्लैंड को एक्टिव रखता है. ओके, तो ये जो ग्लैंड है उसमें से जो हार्मोन सिक्रित होता है वो है थायरोक्सिन हार्मोन, और ये जो थायरोक्सिन हार्मोन है उसका फंक्शन क्या है? टू रेगुलेट कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट दैट मीन्स ग्लूकोज, मतलब जितनी भी शुगर होती है उसको हम कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं. तो थायरोक्सिन हार्मोन का काम है टू रेगुलेट कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स एंड फैट मेटाबॉलिज्म, मतलब ये जितने भी मटेरियल दिए हैं उसका डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म जो है वो रेगुलेट मैनर में करने के लिए थायरोक्सिन हार्मोन इम्पॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि ये जो ग्रोथ है उसका बैलेंस को मेंटेन रखता है. बट अगर समझ लो कि ये जो आयोडीन है वो कम मात्रा में है या फिर आयोडीन की डेफिशिएंसी है, तो उससे क्या होगा कि ये थायरॉयड ग्लैंड है वो अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाएगी, वो अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाएगी तो थायरोक्सिन हार्मोन सेक्रेशन नहीं हो पाएगा, और अगर थायरोक्सिन हार्मोन का सेक्रेशन नहीं होगा तो ये जो रेगुलेट करने का फंक्शन है वो भी प्रॉपर नहीं हो पाएगा. तो इसकी वजह से क्या होगा कि एक डिजीज होता है और वो डिजीज का नाम है गॉइटर. और ये गॉइटर में क्या होता है कि जो नेक वाला पोर्शन है वो पूरा स्वेलो हो जाता है. देखो यहाँ पे लिखा भी है स्वॉलन नेक. क्यों? क्योंकि थायरॉयड ग्लैंड, हमने फिगर देखी उसमें देखा था कि थायरॉयड और पैराथायरॉयड ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट है? नेक रीजन में. तो अगर थायरॉयड ग्लैंड को आयोडीन नहीं मिलेगा तो वहां पे गॉइटर होगा और उसकी वजह से नेक जो है वो स्वेलो हो जाएगी. ओके, तो इतना आपको थायरॉयड ग्लैंड के बारे में याद रखना है. नाउ नेक्स्ट पिट्यूटरी ग्लैंड, वो कहाँ पे लोकेटेड है? इन ब्रेन. ओके, तो ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो ग्रोथ हार्मोन सिक्रेट करती है. ग्रोथ हार्मोन नाम से ही पता चलता है कि ये हार्मोन ग्रोथ से रिलेटेड है. तो ये क्या, उसका फंक्शन क्या रहेगा? रेगुलेट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, जो मैंने आपको बताया. अभी ग्रोथ हार्मोन जो है
कोई भी हार्मोन है ना वो प्रिसाइज मैनर में सिक्रेट होना चाहिए, ना ज्यादा सिक्रेट होना चाहिए ना कम सिक्रेट होना चाहिए। अगर ग्रोथ हार्मोन जो है वो ज्यादा सिक्रेट हो गया तो एक्सट्रीमली टॉल हो सकते, मतलब कोई भी ह्यूमन बीइंग है अगर वो ह्यूमन बीइंग बहुत ज्यादा लेंथ में है तो उसमें जो ग्रोथ हार्मोन है वो बहुत ज्यादा सिक्रेट है तो उसको हम बोलेंगे जायंट्स। बट अगर किसी में ग्रोथ हार्मोन कम सिक्रेट हो रहे तो वो शॉर्ट रह जाते हैं और उसको बोलते हैं ड्वार्फ, और ये जो कंडीशन है उसको बोलते हैं ड्वार्फिज्म। ओके, तो ग्रोथ हार्मोन ज्यादा भी सिक्रेट नहीं होना चाहिए, ग्रोथ हार्मोन कम भी सिक्रेट नहीं होना चाहिए, प्रिसाइज जितना भी अमाउंट है उतने अमाउंट में ही पिट्यूटरी ग्लैंड से ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन होना चाहिए। ओके, तो ये बात हो गई अपनी पिट्यूटरी ग्लैंड की। अभी जो नेक्स्ट है उसमें लिखा है ड्रामेटिक चेंजेस इन अपीयरेंस एट एज ऑफ 10 to 12 ईयर्स विच इज पुबर्टी। आपको पता होगा कि आफ्टर सम एज आप एडल्सेंस मतलब एडल्ट बनते हैं। ओके, तो उस टाइम में जैसे फेशियल हेयर ग्रोथ होना, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होना फीमेल में, फिर अपना जो वॉइस है वो वॉइस में चेंज होना, तो ये जो सारे चेंजेस है वो आप खुद फेस कर सकते हो। ओके, तो ये चेंजेस एक पुबर्टी दैट मीन्स के एडल्ट होने के टाइम पे आती है। तो वो चेंजेस किसकी वजह से, कौन से हॉर्मोन्स की जैसे आते हैं, तो मेल जो है, मेल में हमने देखा टेस्टिस है, तो मेल में जो टेस्टिस है उसमें से टेस्टोस्टेरोन सिक्रेट होता है, और जो फीमेल है, फीमेल में जो ओवरी है, ओवरी में से एस्ट्रोजन सिक्रेट होता है। तो ये दोनों जो हार्मोन है उस हार्मोन की वजह से पुबर्टी के टाइम पे ये चेंजेस होते हैं, फेशियल या फिजिकल चेंजेस होते हैं। ओके, तो ये अपना हो गया जो सेक्स के रिलेटेड चेंजेस है उसकी बात हो गई। ओके, नाउ नेक्स्ट पेनक्रियास। पेनक्रियास जो है ना वो डाइजेस्टिव सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो पेनक्रियास जो है वो क्या करता है, इंसुलिन को सिक्रेट करता है। इंसुलिन इज अ हार्मोन, आपने इंसुलिन का नाम जब भी डायबिटीज होगा ना तो डायबिटीज के साथ आपने इंसुलिन के नाम को ज्वाइंट होता हुआ देखा होगा। ओके, तो पेनक्रियास जो है वो इंसुलिन सिक्रेट करता है, और इंसुलिन क्या करता है कि जो भी ब्लड में शुगर लेवल होता है ना उसको कंट्रोल करता है। डायबिटीज में क्या होता है, डायबिटीज में आप बताओ, डायबिटीज जो होती है तो उसमें क्या कहता है डॉक्टर कि बहुत ज्यादा स्वीट नहीं खाना चाहिए। क्यों बहुत ज्यादा स्वीट नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ब्लड में तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा शुगर है। ओके, तो ये शुगर जो ब्लड में है उसका लेवल रेगुलेट करने का काम कौन करता है, इंसुलिन करता है। बट जब डायबिटीज होगी ना तो डायबिटीज के टाइम पे क्या होगा कि पैनक्रियाज में से इंसुलिन जो है उसका सिक्रेशन अच्छे से नहीं होगा, और अगर इसका ही सिक्रेशन अच्छे से नहीं हो रहा है तो ब्लड की शुगर लेवल कैसे डिक्रीज करेगा। तो इसीलिए हम लोग बाहर से आर्टिफिशियल इंसुलिन यूज करते हैं कि जिसकी वजह से जो ब्लड में शुगर लेवल है वो कंट्रोल हो सके। देखो यहाँ पे लिखा भी है दैट इन डायबिटीज इंसुलिन सिक्रेशन इज नॉट वर्किंग वेल, सो दैट डज नॉट रेगुलेट ब्लड शुगर विच लीड्स टू द इंक्रीज शुगर लेवल इन ब्लड। तो ये कंडीशन का सॉल्यूशन क्या है, आर्टिफिशियल इंसुलिन इंजेक्शन। ये नेचुरली सिक्रेट हो रहा है, उसकी जगह हमने आर्टिफिशियल इंसुलिन के इंजेक्शन डायरेक्टली ब्लड में दे दिए, तो उसकी वजह से क्या होगा कि ब्लड का जो शुगर है वो रेगुलेट होना स्टार्ट कर देगा, और डायबिटिक पेशेंट है उसका जो शुगर लेवल है वो भी हम मेंटेन कर सकते हैं। ओके, तो यहां तक इतने ही हमें ग्लैंड्स और उसके द्वारा जो सिक्रेट हार्मोन है वो पढ़ने हैं। कौन कौन से पढ़े, फर्स्ट ऑफ ऑल एड्रेनालिन, देन थायरोक्सिन, देन ग्रोथ हार्मोन, फिर जो एज रिलेटेड या सेक्स रिलेटेड हार्मोन है वो, एंड लास्ट में इंसुलिन। तो ये जो 5 हार्मोन है और वो हार्मोन कहाँ से, कौन से ग्लैंड से सिक्रेट हो रहे वो हमने पढ़ लिए। अभी ये जो लास्ट पॉइंट है उसमें लिखा है दैट हार्मोन्स हैव टू सिक्रेट इन प्रिसाइज क्वांटिटी। मैंने जब ग्रोथ हार्मोन पढ़ाया था तभी बोला ज्यादा भी सिक्रेट नहीं होना चाहिए कम भी सिक्रेट नहीं होना चाहिए, वो प्रिसाइज होना चाहिए। तो प्रिसाइज क्वांटिटी में सिक्रेट होना चाहिए और परफेक्ट टाइम पे सिक्रेट होना चाहिए, ऐसा नहीं जब उसकी जरूरत है तभी ही उसको सिक्रेट करना चाहिए, उससे पहले या उससे बाद में उसको सिक्रेट होने से कोई फायदा नहीं है। तो एक क्वांटिटी भी प्रिसाइज होनी चाहिए और टाइम भी परफेक्ट होना चाहिए। तो ये कंडीशन किसके थ्रू मेंटेन है, फीडबैक मैकेनिज्म से। आपने फीडबैक का मतलब समझा है, आप बहुत सारे कहीं पे होटल में या कहीं पे गए होंगे तो वहां पे आपको फीडबैक फॉर्म भी देते हैं। तो फीडबैक फॉर्म का मतलब क्या होता है कि आपको वो रेस्टोरेंट या होटल कैसा लगा है उसके बारे में आपको लिखना है, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या है, एक इक्वेशन है, ए है तो ए रेगुलेट करता है बी, और बी जो है वो सी को रेगुलेट करता है। अभी सी अच्छे से रेगुलेट हो गया तो वो ए को बोलेगा कि बस अभी तू रेगुलेट करना बंद कर दे, मैं ऑलरेडी रेगुलेटेड हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जांपल डायबिटीज का ही समझ लेते हैं कि अगर समझ लो कि ब्लड में शुगर लेवल बढ़ चुका है, ठीक है, तो वो बहुत ज्यादा बढ़ा है तो पैनक्रियास इंसुलिन का सिक्रेशन करेगा, इंसुलिन का सिक्रेशन करेगा तो वो ब्लड शुगर लेवल को डिक्रीज करेगा। अभी हमें पूरा ब्लड शुगर लेवल डिक्रीज नहीं करना, थोड़ा लेवल तो हमें ब्लड में भी शुगर का मेंटेन रखना है। तो जब तक प्रॉपर लेवल मेंटेन हो जाएगा तो यही शुगर लेवल इंसुलिन को बोलेगा कि बस अभी तेरा सेक्रेशन करना बंद कर दे, हम लोग रेगुलेट हो चुके। तो उसको क्या बोलते हैं कि इसी की वजह से शुगर लेवल है, उसकी वजह से ही इंसुलिन का सेक्रेशन हुआ था, और शुगर लेवल की वजह से ही इंसुलिन का सेक्रेशन स्टॉप हुआ है, मतलब उसको हम फीडबैक मैकेनिज्म या फीडबैक रिस्पॉन्स बोलते हैं। ओके, तो यहां तक आपको समझ में आ गया हो तो अच्छा है, और अगर प्लीज यू हैव एनी क्वेरी कम टू मी, आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। और अगर कुछ भी क्वेश्चन हो, कुछ भी क्वेरी हो, प्रॉब्लम हो, तो मैं यहाँ पे ही बैठी हूँ आपकी हेल्प करने के लिए। थैंक यू सो मच, एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। टेक केयर।